हिमाचल में इस बार सर्दियों में मौसम की बेरुखी देखने को मिली है। विंटर सीजन में बर्फ से लदी रहने वाली पहाड़ों की रानी शिमला इस बार बर्फ के लिए तरस गई। शिमला के ऊंचे पहाड़ों पर तो बर्फबारी हुई, लेकिन शिमला के रिज माल रोड पर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली बर्फ की सफेद चादर नहीं बिछी। और अब आधी फरवरी बीत जाने के बाद बर्फबारी की उम्मीद लगाना नाकाफी रहेगा। बता दें कि शिमला में बर्फ को देखने के लिए देश भर से पर्यटक शिमला पहुंचते हैं, लेकिन इस बार पर्यटकों के साथ ही पर्यटन से जुड़े लोगों को भी बर्फबारी के सीजन में निराशा ही हाथ लगी। जो पर्यटक बर्फ के लिए शिमला आते थे, उन्होंने इस बार कुल्लू मनाली जाने में दिलचस्पी दिखाई, जिससे जिन लोगों की रोजी रोटी सीधे पर्यटन से जुड़ी है, उन्हें खासा नुकसान झेलना पड़ा, जिससे टूर एंड ट्रेवल, होटल, रिज व घोड़ों की सवारी करने वालों और फोटो खींचकर परिवार चलाने वालों के साथ गर्म कपड़ों के दुकानदारों को निराशा हाथ लगी। सुनिए क्या कहना है पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का। मेरा काम टूर एंड ट्रैवल का है, पिछले 23 सालों से मैं ये काम शिमला में कर रहा हूँ। देखिए, जो प्रभावित हुआ है, हर साल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नवंबर में बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाती है, नवंबर एंड में, तो क्या रहता है कि कारोबार भी अच्छा रहता है। और इस बारी तो नुकसान हुआ ही है, क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ी है, बर्फ़ जनवरी महीने में नहीं पड़ी है, और फरवरी महीना तो खैर बिल्कुल ही खाली चला गया। जो स्नोफॉल हुआ वो जनवरी महीने में हल्का फुल्का हुआ है, इससे क्या हमारे काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। टूरिस्ट नहीं आए, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। जी, मेरा नाम सुभाष चंद है, हम यहाँ राइडिंग करवाते हैं बच्चों को। इसका जी कम से कम भी 75% हमारे को फ़र्क पड़ा, क्योंकि जितनी आशा थी कि बर्फबारी होगी, पर्यटक आएंगे, हमारा काम चलेगा, उतना नहीं चला। चला तो है, पर इतना नहीं चला जितना चलना चाहिए। इस बार जो बर्फबारी नहीं होने के कारण रिज के ऊपर पर्यटक बहुत कम आए, कुफरी नाल देड़ा इधर जा मनाली इस साइड को ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, हमारे शिमला में बहुत कम रुक रहे हैं टूरिस्ट। हाँ, नुकसान तो है जी, जो काम हम दिल में सोच बैठे थे कि हाँ इस बार ऐसा कमा लेंगे, अच्छा आमदनी हो जाएगी, तो बर्फ़ पड़ती तब तो हमारा काम चलता, अब सारे के सारे घोड़े तो खड़े हैं, काम तो है नहीं है। थोड़ा बहुत काम चलता है शाम के टाइम जब पर्यटक वापस आते हैं, तो रात को एक आधे घंटे में हमने कितना कमा लेना उनसे। अब भी स्नोफॉल ना होने से बड़ा भारी फर्क पड़ा है, पर्यटकों का आवाज़ यही कम हो गई है, और पर्यटक ने जो रुख जो है कश्मीर जे एंड के और मनाली का कर दिया है, मनाली जो है फुल जा रहा है हमारे शिमला में पर्यटक की वजह से, काफ़ी हर जो पर्यटक की उससे जुड़े लोग हैं सबको नुकसान हो रहा है। 50% काम जो है कम हो चुका है, 60% काम जो है, नहीं तो फरवरी में वीकेंड था तो पूरा शिमला इस टाइम फुल होता था, जिसमें से कि आज खाली है पूरा, रिच जो है मेन जगह से रिच की स्पॉट है वो आज सारा खाली है, तो इससे फ़र्क तो पड़ा ही पड़ा है स्नोफॉल ना होने से हमारी आवाज़ है। मेरा नाम राकेश चौहान है, और जो इस बार बर्फबारी नहीं हुई, जिस तरह से सैलानी आते थे वो नहीं आए, इस बार जो सैलानी है बर्फ़ देखने कुफरी और मनाली गए, जिस तरह की सेल होती थी इस तरह की सेल नहीं हुई इस बार। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।